जर्मनी फ्रांस के बाद ग्रीस रोमानिया ने रूस को दिया झटका। सीधे प्ले ऑन करें, सिर्फ ब्रेकिंग रखें। ग्रीस ने 12 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया। रोमानिया ने भी 10 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। बड़ी खबर, जर्मनी 40, फ्रांस 35 डिप्लोमैट्स को देश से निकाल चुका है। बूचा में रूसी नरसंहार को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। उसके बाद ये सारी घटनाएं हो रही है। लेकिन अब इस वक्त की एक कहा जाए बहुत बड़ी खबर, और इसके बाद क्या हमला करेंगे इनके ऊपर भी आप, पुतिन। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का ऑफर, बड़ी खबर। फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में स्वागत है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है दोनों देश अपील करें तो नेटो में शामिल करेंगे। फिनलैंड और स्वीडन नेटो के साथ आए तो रूस को झटका लगेगा। मैं सीधे यहां पर बिग वॉल दिखाना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें, हमारे पास जो बिग वॉल है यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन, सीधे प्ले ऑन करें। लेट्स मूव वेरी फास्ट। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब रूस के लिए टेंशन बढ़ गई है। यहां पर बड़ा सवाल है, यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन, प्ले ऑन करें। स्टोल्टनबर्ग कभी कभार एक्शन में भी दिखाई दे जाते हैं। रूस के लिए बड़ी टेंशन, रूस की धमकी के बीच अब नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान है। अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो सदस्य तक ले अप्लाई करते हैं तो उनका स्वागत है, नेटो चीफ ने यह कहा है। उनका यह कहना है, उनका यह कहना है कि अगर ये दोनों अप्लाई करते हैं तो उनका स्वागत है। चेंज करें इसको, रूस की यूक्रेन से जंग के बीच अब फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल होने का मन बना रहे हैं। यह भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। प्लीज चेंज इट। यहां पर नेटो में जाने का मतलब होगा कि वो रूस से लंबे वक्त से चले आ रहे तटस्था के समझौते को तोड़ेंगे। नेटो ने कहा कि वो उन देशों की सुरक्षा को चिंताओं को दूर करेगा जो शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। होल्ड इट, यहां पर ये बड़ी खबर है। इसके बाद मैं आपको एक अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में लेके जा रहा हूं। सीधे आइए यहां पर, बिग न्यूज हमारे सामने जो है वो बड़ी खबर ये है। बढ़ते खतरे के बीच ऑस्ट्रेलिया ने मिसाइल अपग्रेड तेज किया। बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल खरीदेगा। $3.5 अरब का हथियार खरीदेगा, यह बड़ी खबर है। रूस चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया का फैसला है। यहां पर यह बहुत बड़ी खबर है। मैं जनरल साहब के पास आना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर वो बड़ी खबर यह है, रूस और चीन से खतरा। चेंज करें इस वॉल को प्लीज। रूस और चीन से खतरा, ऑस्ट्रेलिया हथियार खरीद पर उतरा। यह बड़ी खबर है। सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया $3.5 अरब के आधुनिक हथियार खरीदेगा। नेक्स्ट, रूस और चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने खरीद को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक जल्द F-18 है वो। प्लीज, यहां पर F-18 हॉर्नेट और F-35A जेट्स, एयर टू सरफेस मिसाइल खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट, जमीन पर नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए नेवल स्ट्राइक मिसाइल खरीदी जाएंगी। समंदर और पोर्ट की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम माइंस भी खरीदेगा। मैं जाऊंगा इस बॉल और शॉर्ट्स के साथ सीधे आए, मैं जनरल साहब के पास आऊंगा। आप जनरल साहब, आपसे मेरा बड़ा सवाल यह है, अभी के जो हालात है उसको देखते हुए हाउ डू यू असेस? वेपन रेस तो शुरू हो गई है सर, अंडरस्टूड, लेकिन हर कोई, ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल वेपन्स आर बॉट फ्रॉम अमेरिका, यह चीज साफ हो गई है सर। यह भी F-35, F-18 के लिए खरीद रहे हैं। जल सुधाकर, योर टेक सर। निशांत, मैं आपका जो आखिरी हिस्सा है सवाल का, मेरा सवाल ये था सर, कहते ना वो कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, यहां पर एवरी डिफेंस लीड्स टू अमेरिका। यस, यू सेड इट, यू नेल्ड इट, इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट सर निशांत, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बयान कर रहे हैं। मैं सिर्फ समय को मध्य नजर रखते हुए मोटे मोटे मुद्दा, ये जो लड़ाई हो रही है, ये सब कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसी को नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जो देश ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन की तरह सप्लाई कर रहे हैं। जो हिडन एजेंडा है इसके पीछे, अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस ऐसा एक ग्रुप है नाटो समेत, ये जो देश है इनका सबसे पहला चीज है, जो डिफेंस इंडस्ट्री ठप हुआ था COVID-19 के टाइम में, ये रिवाइव हो गया है। नंबर दो, जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन काफी रैपिडली डिटोरियरेट हो रहा था, इसकी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। नंबर तीन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट जंप। नंबर चार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये नहीं कह सकता हूं, जो क्लिप आपने शुरू का प्रोग्राम में दिखाया था बाइडेन का जो रेटिंग, ये लड़ाई शुरू होने से पहले बाइडेन का जो रेटिंग प्रेसिडेंट राइट सिंस 1776 टिल डेट वो द लोएस्ट 33%।
इनका जो मिड टर्म जो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है बाय अबाउट नवंबर और सो, तो इसको मद्देनजर रखते हुए शायद ये लड़ाई अगर ज्यादातर किसी को फायदा दिया है वो है अमेरिका। बैक टू यू प्लीज। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।